हेलो दोस्तों, इंडिया गढ़ चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में दोस्तों 3-4 दिसंबर से छत्तीसगढ़ से जितने भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर बनते हैं उसके बारे में पूरे डिटेल से डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्टर के बारे में मैं बताऊंगा। तो वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिए। आज का वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर का हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में विशालकाय मछली नुमा फिश एक्वेरियम कहाँ बनेगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोरिया। 2 नंबर क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। प्रदेश का पहला विशालकाय मछली नुमा फिश एक्वेरियम जल्द होगा कोरिया में। ऊपर नीला आसमान और नीचे नीला नीला पानी झुमका बांध की खूबसूरती देखते ही बनती है। ठंडी हवाएं और रेतीली जमीन बिल्कुल समुंदर के पास होने का एहसास कराती है। झुमका की खूबसूरती का बढ़ाने और इसे पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनाने कलेक्टर SN राठौर के मार्गदर्शन में यहाँ सौंदर्यकरण का काम किया जा रहा है, जिसका जायजा लेने आज कलेक्टर राठौर झुमका गांव पहुँचे। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को शीघ्र काम पूरा करने के निर्देश दिए, जिससे बोटिंग के अतिरिक्त पर्यटन व मनोरंजन की गतिविधियों को शुरू की जा सके, जिससे आप इमेज में देख सकते हैं दोस्तों यह मछली नुमा एक्वेरियम कहाँ बन रहा है। तो कोरिया ज़िले में बन रहा है दोस्तों। अब कोरिया की बात आई है तो कोरिया के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं दोस्तों। कोरिया की स्थापना 1998, मुख्यालय बैंकुटपुर, मातृत्व जिला सरगुजा, सरगुजा से पृथक करके कोरिया जिले का निर्माण किया गया है। तहसील विकास खंडों की संख्या कितनी है? तो 5 है। पहला है महेंद्रगढ़, दूसरा बैंकुटपुर, तीसरा भरतपुर जनकपुर, चौथा सोनहट, पांचवा खंडगांव। आप इसको नोट भी कर सकते हैं, मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। महेंद्रगढ़, बैंकुटपुर, भरतपुर, जनकपुर, सोनहट, खंडगांव। विधानसभा क्षेत्र भरतपुर, सोनहट, महेंद्रगढ़, बैंकुटपुर। मुख्य चट्टान देखते हैं तो गुड़वाना क्रम कोरिया में कोयला भंडारण क्षेत्र है। तो चिरमिरी, कुरशिया, काकटोना, झिलमिली, झारखंड, यहाँ से कोयला प्राप्त किया जाता है। बैंकुटपुर हवाई पट्टी राज्य शासन के अधीन है। गुरुघासीदास राष्ट्रीय उद्यान 1441 कितना 1441 वर्ग किलोमीटर में फैला है। पूर्व नाम संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कोरिया एवं सूरजपुर जिले में स्थित है। प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों तो गुरुघासीदास राष्ट्रीय उद्यान है। हसदो नदी 176 किलोमीटर उद्गम देवघर की पहाड़ी कैमूर पर्वत श्रृंखला शेष का उद्गम हुआ है। 23/1/2 उत्तरी आकांक्षा रेखा कर्क रेखा इस कोरिया जिले से होकर गुजरती है। इस जिले की सीमा मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करती है। चबक खार देवगढ़ की पहाड़ी
कोरिया का अधिकांश भाग पूर्वी बघेलखंड के पठार का हिस्सा है। यहीं पर अमृतधारा जलप्रपात हसदू नदी पर स्थित है। गवारपाट जलप्रपात, रामदहदहरा जलप्रपात सोनहट में कुरसिया की पहाड़ी स्थित है। तो इस क्वेश्चन से इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट को आप याद रखिए, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ललित सुरजन का निधन हुआ, वे कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, प्रधान संपादक व वरिष्ठ पत्रकार थे। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार और हिंदी समाचार पत्र देश बंधु के प्रधान संपादक ललित सुरजन का निधन हो गया। वे 74 वर्ष के थे। ललित सुरजन के परिवार के सदस्यों ने बुधवार को बताया कि आज देर शाम दिल्ली के धर्मशीला नारायण अस्पताल में सुरजन का निधन हो गया। परिवार के सदस्यों ने बताया कि सुरजन कैंसर के इलाज के लिए दिल्ली में थे। सोमवार को अचानक मस्तिष्क घात ब्रेन स्ट्रोक होने के बाद उन्हें धर्मशीला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान आज शाम उनका निधन हो गया। सुरजन हिंदी समाचार पत्र के देश बंधु के प्रधान संपादक थे, जिसे आप इमेज में देख सकते हैं। दोस्तों हाल ही में 74 वर्ष की उम्र में इसका निधन हो गया। ये छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार, हिंदी समाचार पत्र, देश बंधु के प्रधान संपादक थे। ललित सुरजन का निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन से इतना इम्पोर्टेंट फैक्टों को आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का चौथा सबसे सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन कौन बना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, झिलमिली थाना सूरजपुर जिले में स्थित है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। सूरजपुर जिले का झिलमिली थाना भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ चौथा पुलिस स्टेशन बन गया है। उत्कृष्ट पुलिस थाने में 2020 भारत सरकार ने घोषित किया है। देश के 10 शीर्ष थानों में छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले का झिलमिली थाने को चौथा स्थान हासिल हुआ है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा उत्कृष्ट थानों को लेकर पूरे भारतवर्ष में सर्वे कराया था और इनमें से 10 शीर्ष पुलिस थानों की रैंकिंग की गई। इसके लिए पहले थानों का डाटा विश्लेषण सीधा परख और मिली फीडबैक के आधार पर रैंकिंग प्रक्रिया के तहत सर्वश्रेष्ठ कार्य प्रदर्शन करने वाली थानों को संक्षिप्त सूची तैयार की गई, जिसमें थाना की साफ सफाई, रंग रोगन, कैंप सुरक्षा प्रबंधक, पब्लिक बिहेवियर, क्लिक रिस्पांस, रिकॉर्ड संधारण, CCTNS व अपराधों के समाधान के आधार पर बनाई गई, जिसे आप इमेज में देख सकते हैं। तो हमारे छत्तीसगढ़ जिले के सूरजपुर जिले को चौथा स्थान प्राप्त है। उत्कृष्ट थानों में सूरजपुर जिले से लिया गया, थाना का नाम झिलमिली थाना। अब सूरजपुर की बात आई है तो सूरजपुर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। दोस्तों सूरजपुर की स्थापना 2012 में, मुख्यालय सूरजपुर, मातृत्व जिला सरगुजा, सरगुजा से पृथक करके सूरजपुर का निर्माण किया गया है।
सूरजपुर में तहसीलों की संख्या 6। सूरजपुर, प्रतापपुर, विश्रामपुर, प्रेमनगर, राम अनुजगर, ठीक है दोस्तों 6। विकासखंडों की संख्या 6, तहसीलों की संख्या भी 6 है और विकासखंडों की संख्या भी 6 है। सूरजपुर, प्रतापपुर, विश्रामपुर, प्रेमनगर, रामानुगंज। विधानसभा क्षेत्र 3, भटगांव, प्रेमनगर, प्रतापपुर, समवर्ती राज्य मध्य प्रदेश से लगा है। मुख्य चट्टान तो गोंडवाना क्रम है यहाँ। मुख्य खनिज कोयला भंडारण क्षेत्र विश्रामपुर, रामकोला से कोयला प्राप्त किया जाता है। विश्रामपुर और रामकोला से कोयला प्राप्त किया जाता है। अभयारण्य तमोर पिघला स्थापना 1978। क्षेत्रफल के अनुसार प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य तो तमोर पिघला है। 608 वर्ग किलोमीटर में यहाँ फैला है। शक्कर कारखाना माता महामाया, शक्कर कारखाना ग्राम केरता में स्थित है। जलप्रपात रगस्टक रेड नदी पर, महान जलप्रपात महान नदी पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन से इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट को आप याद रखिए, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में छत्तीसगढ़ के नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमिताभ जैन। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। अपर मुख्य सचिव वित्त और जल संसाधन के पद पर पदस्थ वरिष्ठ आईएएस अफसर अमिताभ जैन को छत्तीसगढ़ का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। वे सेवानिवृत्त हो रहे आरपी मंडल की जगह लेंगे। 1989 बैच के आईएएस अधिकारी अमिताभ जैन बलोच जिले के दली राजहरा में पढ़े लिखे हैं। मुख्य सचिव के रूप में उनका कार्यकाल सबसे लंबा हो सकता है। दरअसल वहां साल 2025 में रिटायर होंगे। उनसे पहले विवेक ढान ने करीब 4.5 साल तक मुख्य सचिव के रूप में सेवा दी। बताते चले कि विवेक ढाल अजय सिंह और आरपी मंडल मुख्य सचिव बने हैं, जो छत्तीसगढ़ के ही रहने वाले हैं। तो अमिताभ जैन की पढ़ाई लिखाई किस जिले में हुई है, तो बलोच जिले में पढ़ाई लिखाई की है। अब बलोच की बात आई है, बलोच जिला, तो बलोच जिले के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। बलोच जिला की स्थापना 2012, मुख्यालय बलोद, मातृत्व जिला दुर्ग से पृथक करके बलोच जिला का निर्माण किया गया है। मुख्य चट्टान धारवाल चट्टान यहाँ पाए जाते हैं। मुख्य खनिज है तो लौह आवश्यक प्राप्त किया जाता है। दहली राजधरा 2014 से भिलाई स्टील प्लांट को आपूर्ति की जाती है। माता महामाया सहकारी शक्कर कारखाना है बलोच जिले में। प्रदेश का तीसरा ग्राम ककरा भाटा में स्थित है। मुख्य नदी खारून नदी, उद्गम पेटचूला की पहाड़ी। मुख्य परियोजना तांदुला परियोजना 1913। प्रदेश का प्रथम परियोजना खखरा जलाशय, मिट्टी से निर्मित बांध बलोच जिले में
स्थित है। गोधनी जलाशय जुआरी नदी पर स्थित है। पवन चक्की से पवन ऊर्जा प्रदेश में सर्वप्रथम उत्पादन बलोद जिला से प्रारंभ किया गया। सोलर करहीपदर चिरचारी ककरा भाटा लौह युग्नी पाषाण स्तंभ के साक्ष्य मिले हैं, तो बलोद जिले से मिले हैं। तो इस क्वेश्चन से दोस्तों इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट को आप याद रखिए, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि मेरे इस वीडियो से आपको हेल्पफुल मिला हो तब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंडिया गढ़।